मोटिवेशनल टाइप का, थोड़ा केस हिस्ट्री जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। बट ये नहीं कि पढ़ लो टाइम बहुत बचा हुआ है, बैड टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आया, फिर आएगा, कैसे बातें कर लो। इन लोगों ने बर्बाद कर दिया चीजें। हम लोगों को कहा जाता है कि बहुत सीधी सी बात है, हम लोगों को कहा जाता है कि ये टाइम देखो, मैं सोसाइटी बार बार आ रहा है, टाइम रिपीट होता है, टाइम का रिस्पेक्ट कितना शानदार है, लोग टाइम की इज्जत करो, टाइम तुम्हारी इज्जत बढ़ा देगा, ऐसा वैसा बातें मोटिवेशनल स्टोरी में अच्छी लगती हैं। बट सबसे पहले तो इज्जत अपनी भावनाओं का करो ना, जो तुमने पाल रखी है, जो शायद तुम करना चाहते हो। अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो तुम रेस्ट करो, पढ़ाई मत करो, ये मेरा मानना है। मैं बहुत हार्ड बोलता हूँ इस मामले में, बहुत हार्ड, कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, लड़की से मत मिलो, लड़के से मत मिलो, सब कुछ करो, जो मन करा करो, बिल्कुल बिंदास चिल मारो, बिल्कुल चिल, मूवी देखो, सीरीज निकाल दो, लेकिन जब पढ़ो तो पढ़ो, खत्म करो। कंफ्यूज ना रहो कि मूवी देखूंगा इसके बाद, प्यार करूंगा पढ़ाई के बाद, कोई माहौल नहीं आएगा कि अब हमारी पढ़ाई होकर चलो प्यार करते हैं, गाना बजने लगेगा, फूल गिरने लगेंगे, लड़की नहीं मिलेगी अच्छी मेडिकल कॉलेज में, मुश्किल से 4-5 अच्छी लड़कियां जाती है, पूरा कॉलेज में पीछे घूमता रहता है, प्रोफेसर से लेकर सीनियर और जूनियर सब, कहां से ना हो गया। वही हाल लड़कों का भी, अच्छे लड़के भी नहीं होते बच्चे, बहुत ध्यान से नहीं हो गया, लोग नहीं होते अच्छे लड़के भी, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, किसी के मुंह से बास आ रही है, दांत पीले हो रखे हैं, रंगीन हो रखे हैं गुटखा खा खा के, और उसके बाद दारू तो मतलब ऐसा हो रखा है कुल्ला करते हैं दारू से। भाई तुम कभी हॉस्टल में किसी भी हॉस्टल, और अगर ऐसे लड़के से आप शादी कर रही हो जो ड्रिंक करता है, तो मतलब मुझे तो यही लगता है कि मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा प्यारा सा पॉइंट, सुसाइडल अटेम्प्ट, और नहीं तो क्या। अब डॉक्टर हो आप, जानते हो एडिक्शन पर्सनालिटी है, ये अपनी भी जिंदगी बर्बाद करेगा, मेरी भी बर्बाद करेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद इसके हाथ में स्टैटिक नहीं रहेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो लाइफ में सक्सेसफुल सर्जन तो नहीं बन सकता। आगे तुम देख लो, वो कबीर सिंह ने जो दिखा दिया ना, वो एक स्टोरी है। इतना पीने वाले का आदमी का हाथ कभी स्टैटिक नहीं हो सकता, कितना भी यंग क्यों ना, ये रॉक स्ट्रॉन्ग जो हाथ है ना, ये ना पीने की वजह से है। अगर मैं भी पी रहा था ना, मैं ऐसे ऐसे करता, ऐसे 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 करता, चाहे 23 की उम्र में पीऊँ, चाहे 24 की उम्र में, और चाहे 30 की उम्र में पीऊँ, उतना ही इम्पैक्ट आएगा। तो वो अपनी जिंदगी तो बर्बादी करेगा, तुम्हारी भी करेगा। तो देख लो कमरे में कितनी बोतल पड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग देखना। तो ये एस्ट्रोजन का लेवल है, बहुत ध्यान से, क्लियरली बहुत ध्यान सुनो। तो ये एस्ट्रोजन